नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में पुलिस बदमाशों का खात्मा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। बदमाशों में भी यूपी पुलिस का इतना खौफ है कि प्रदेश में राज करने वाले बदमाश यूपी छोड़कर चले गए हैं, और जो बदमाश बचे भी हैं उन्हें भी एनकाउंटर का डर सता रहा है और वो अपराध की काली दुनिया को अलविदा कर चुके हैं। लेकिन अपराधियों का एनकाउंटर करने वाली पुलिस पर अब बीजेपी नेता का ही एनकाउंटर करने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप खुद बीजेपी नेता अश्विनी पवार ने पुलिस पर लगाया है। आपको बता दें कि दरअसल शामली में बीजेपी नेता अश्विनी पवार की कार पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। चार राउंड की फायरिंग में एक गोली बीजेपी नेता के परिजन के हाथ में लगी, जबकि तीन गोली उनके कार में जाकर धस गई। हैरानी की बात तो यह है कि बीजेपी नेता ने यूपी पुलिस की एसओजी टीम पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि एलम गांव के रहने वाले बीजेपी नेता अश्विनी पवार अपने परिवार के साथ कांधला में वापस आ रहे थे। इस दौरान एक रेस्टोरेंट में बैठी एसओजी की टीम ने बीजेपी नेता की गाड़ी को घेर लिया और फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग होते ही बीजेपी नेता ने अपनी कार दौड़ा ली और किसी तरह अपने घर पहुंच गए। तो वहीं बीजेपी नेता का आरोप है कि एसओजी और सीओ कैराना जबरन उन्हें घर से उठाकर ले गए और रात भर थाने में टॉर्चर भी किया। भैया मैं यहाँ था शाम के टाइम, बच्चे जिद करने लगे खाना खाने की बाहर। मैं इनको लेकर कांडला खाना खाने के लिए जा रहा था रेस्टोरेंट पर। मैं कांडला पहले पेट्रोल पंप पर पहुंचा, मैंने वहां से तेल डलवाया, उससे पैसे लिए, एटीएम बंद थे, और 1500 रुपये का मैंने वो एटीएम से स्वैप करवाया। मैं जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचा पंपे से, तो मैंने वहां अमरूद लेने के लिए गाड़ी रोकी। अमरूद वाला था, अमरूद बेच रहा था। मैं अमरूद लेने लगा था, अमरूद वाले ने मुझे बताया कि स्वैप मशीन गाड़ी पर रखी है आपके। तो वो पेट्रोल पंप कर्मी स्वैप मशीन गाड़ी पर रखकर भूल गया छत पर। तो मैंने उसे उठाया कि मैं तुरंत ही पंपे की तरफ वापस चला गाँव में आने के लिए, गाँव वाली साइड से। वहीं जैन रेस्टोरेंट पर खाना खाना था हमको भी। हम जैसे ही जैन पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे, मैंने उसे पेट्रोल पंप कर्मी को आवाज लगाई, भैया तेरी मशीन छत पर भूल गया, तू इसे ले जा। वो मशीन देके जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो सामने थे एसओजी के तीन लोग, विकास कसाना, विकास, अंशुल पुनिया, ये मुझे पिस्टल लिए सामने से दिखे। इन्होंने मेरे ऊपर सीधे फायर किया। फायर करते ही मैंने गाड़ी नीचे बैठ कर दौड़ा दी। इसी दौरान इन्होंने 10-15 राउंड फायर किए, जिसमें मेरी गाड़ी में तीन गोलियां लगी। एक मेरे साथ में जो लड़का मनीष था उसके हाथ में गोली लगी। और जैसे ही हम घर पहुंचे, घर से ही पीछे पीछे गाड़ी लेकर एसओजी वाले घर आए और मुझे मारते पीटते हुए थाने में ले गए और जबरदस्ती झूठे मुकदमे में लादना चाहते थे। जब गांव में शोर हुआ, गांव के लोग वहां पहुंचे, तब जाकर मेरी जान बची और मैंने पूरी घटना माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली को फोन पर बताई और मौके पर एसपी साहब आए, मैंने उनको सारी बातें बताई। फोन की रिकॉर्डिंग है, पेट्रोल पंप की भी वीडियो फुटेज है और आपके जैन रेस्टोरेंट की वीडियो फुटेज है। क्या लग रहा आपको, क्या इन सब लोगों ने मेरे विरोधियों से पैसे लेके मेरी हत्या की साजिश रची और ये मेरी सब लोग मेरी हत्या करना चाहते थे? क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूं कि बस इंसाफ मिले, जो चीज सच्चाई है सच्चाई को जानकर ऐसे अपराधियों को जो हत्या करना चाहते हैं पैसे ले। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि बीजेपी नेता के आरोप पर मामले की जांच की जा रही है। कल देर रात्रि एलम के एक निवासी जो है उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है, उसमें उन्होंने पुलिस पर गंभीर जो है कपित आरोप लगाए हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उनके गाड़ी के ऊपर पुलिस के द्वारा एक फायर किया गया है। इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो मेरे द्वारा एडिशनल एसपी जो यहाँ के हैं उनको सपोर्ट की गई है। इसमें जितने भी तथ्य हैं, जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं और भी जो इश्यूज और रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस हैं उनको हम कलेक्ट करा रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर एडिशनल चीफ जो है कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। बीजेपी नेता ने पुलिस और एसओजी पर हत्या करने का आरोप लगाया है, बल्कि सीसीटीवी में भी कुछ पुलिसकर्मी कार पर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे शामली पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। ऐसे में पदाधिकारियों को मामले की जांच कर इन आरोपों को एक सही जवाब देने की जरूरत है, ताकि पूरे घटना का सच सबके सामने आ सके। वैसे इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।